बस एक बार पता चल जाए कि लॉकेट है किसका। मैं जानती हूं। ये लॉकेट गुलशन का है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वही तेरी अकल ना ठिकाने लगाएंगे। मैं तो तुझे कुटने वाला हूं। अब तो एक और वीडियो बनेगी और तेरी इज्जत उतरते मारी सारी दुनिया देखेगी। गुलशन गुलशन भाई, तू क्या बुलाती है मुझे? पहल बुद्धि और तू दिमाग मेला, पर इस वक्त ये सवाल क्यों कर रहा है तू? क्योंकि ये सब के सब मैं हूं यार। मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुलशन के अलावा कौन हो सकता है जो ऐसी वाहियात हरकत करेगा। कोई नहीं, अब पता चल गया ना, नहीं छोड़ना है उसको। हेलो, आप पप्पूजी? मेरा लॉकेट मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, पूरा घर छान मारा मैंने। ढूंढ ले यार, कहीं यहीं भी पड़ा होगा। कब गिरा, कहां गिरा? अरे उसी दिन से जब मैं जोगी के घर पर गया था, वहां उसके तबेले में उसकी भैंस से टकरा गया था। मुझे लगता है वहीं कहीं गिर गया होगा। क्या? ओए खोतिया, अगर वो लॉकेट किसी के हाथ लग गया ना तो स्यापा हो जाना है, स्यापा। तू जल्दी आ यहाँ पे, बैकअप प्लान बनाते हैं, जल्दी आ। जी जी जी। अरे माही, एक नंबर की चुड़ैल है। जरा सी भनक लगी नहीं तो ये गुलशन क्या गुलशन के खानदान तक पहुंच जाएगी और फिर मेरे खानदान तक। हे माता रानी, बस किसी भी तरह से लॉकेट इनके हाथ ना लगने देना। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी उस कंजर को कसीट के लाता हूं। ऐसे छत्तर मारूंगा कि सब कुछ उगल देगा। और माही, जो तूने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया ना कि 24 घंटे में तू अपनी बेगुनाही साबित करेगी, वो भी आज ही होगा। अकेले नहीं जोगी, उसने हम दोनों का वीडियो बनाया ना, तो दोनों मिलकर ही उसका कुटापा चाड़ेंगे। तुम दोनों एक साथ जाओगे तो लोग बातें करेंगे। बदनाम तो हो चुके हैं ना प्रिया, अब बातों से क्या डरना। अब होंगे तो सिर्फ मशहूर, अपनी बेगुनाही साबित करके। ज-
जय माता दी। अगर तेरी कोई चीज कहीं गुम जाए तो तू उसे कहां ढूंढेगी? जहां गुमी थी। इसका मतलब गुलशन तबेले में? हेलो पंकज, सुन, तू तबेले में पहुंच, वहां गुलशन कभी भी आ सकता है। माही, तू घर जाके थोड़ा आराम कर ले, रिलैक्स फील करेगी। कल रात तक इसका मुंह नहीं खुल रहा था और अब सडनली एक सुपर वुमन की तरह बड़बड़ करने लगी है। 24 घंटे में मैं अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ के लाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? लगता है कोई सबूत हाथ लग गया है उसके। वाह गुलशन वाह, क्या गुल खिलाया है। तेरा ये लॉकेट अब तुझे लॉकअप लेके जाएगा। नहीं, मुझे वो लॉकेट वापस लाना ही होगा। अगर वो लॉकेट उन लोगों के हाथ लग गया तो वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे जाना होगा। अब वहां गया ना तो वहां तेरा लॉकेट नहीं, तेरी लाश जाएगी। किसी भी प्लान को फूल प्रूफ करने के लिए उसमें से सबसे कमजोर कड़ी को निकालना पड़ता है और हमारे प्लान की कमजोर कड़ी तू है, तो तुझे तो निकालना ही पड़ेगा ना। ये रहा बस का टिकट, पकड़ के सीधा अपने गांव चला जा। पर पप्पू जी, मैं तो आप निकालने के और भी तरीके हैं, अगर गांव नहीं तो बार। मैं आज आपकी पोती माही का हाथ मेरे पोते अर्जुन के लिए मांगने आया हूं। और जिस लड़की ने इतनी कम उम्र में ये सोच लिया है कि उसे जिंदगी में आगे जाके क्या करना है, तो तू सोच कि मेरे पोते अर्जुन की जिंदगी वो कैसे सेट कर देगी। अर्जुन को ऐसी बीवी चाहिए जो उससे प्यार करे, उसके पैसे, उसके रुतबे, उसके नाम से प्यार नहीं करे, अर्जुन को अर्जुन की वजह से प्यार करे।
और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि माही जैसी बहू मुझे नहीं मिल सकती। सॉरी दादाजी। नमस्ते दादाजी। दादाजी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ये नींबू पानी अर्जुन को दे आऊं? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? वो अब दिल टूटता है तो तबीयत तो खराब हो ही जाती है ना। अर्जुन ना कॉलेज से ऐसे ही है, मुझे याद है वो हम कॉलेज में साथ में थे ना। बेचारे अर्जुन, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है दादाजी? वो दादाजी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सोच रही थी अगले कुछ दिनों तक मैं अर्जुन से रोजाना मिलूं। वो मेरे पीपी मेरे भैया कहते हैं कि आपके अच्छे वक्त में कोई आपका साथ दे ना दे, पर एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। तो क्या मैं अच्छे संस्कार है तुम्हारे, जाओ अर्जुन के पास जाओ। जी शुक्रिया दादाजी। चोगी अगर गुलशन तबेले में नहीं आया तो कहाँ हो सकता है? तू फिक्र ना कर, वो जहाँ जहाँ छुप सकता है हर जगह ढूंढेंगे। और वैसे भी लॉकेट हमारे पास है तो उसे यहाँ आना ही होगा। अजय हुआ क्या? मुझे मेरे पोते की शादी ऐसी बदचलन लड़की से नहीं करनी है। भाई वो तेरा अंदर आना जरूरी नहीं है। तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल चल और गुलशन की फिक्र ना कर। वो तो पताल लोक में भी छुपा होगा ना, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। चोखी दाग सिर्फ तेरे पे नहीं लगा, मेरे पे भी लगा। तो तेरा आना तो जरूरी है ना। उस गुलशन की वजह से मेरे दादू को हार्ट अटैक आया है और उसकी वजह से ना मेरे परिवार वालों का सिर झुका है। और एक परिवार का सिर ऊंचा करने का फर्ज ना एक बेटे का ही होता है। मेरा आना तो जरूरी है ना। और
और वैसे भी 24 घंटों में से ना 6 घंटे बीत गए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। चल फिर आधा। बाबूजी। दर्जी आपने तो सबको डरा ही दिया था, अब जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मुझे आपको कट्टे बैठ के पैक चेक लगाने। मम्मी जी। हाँ जी। मैंने सारी पेमेंट कर दी है, थोड़ी देर बाद घर पे भी जा सकते हैं। पप्पू जी थैंक यू सो मच। माही कितने हैं? माही मेरी परेशानी, इस वक्त वो जोगी के साथ मिलकर अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रही होगी। इससे पहले कि उसको कामयाबी मिले मुझे उसकी शादी टिल्लू से करवानी पड़ेगी ताकि उसकी लगाम मेरे हाथों में आ जाए। आप सही में जानना चाहते हैं? मॉल रोड वाली पिंकी चाची ने भेजा जी। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था कि आपको ना बताऊं लेकिन आपने डायरेक्टली पूछ लिया तो माही कहीं भागने की तैयारी तो नहीं कर रही है? बाबूजी बाबूजी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन मत लो आप। कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आराम करो। ये मसला बड़ी मुश्किल से हल किया है जी, लेकिन अगर ये हो गया तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाना है। पप्पू जी अब जब अपने ही बच्चों से भरोसा उठ जाए तो आदमी क्या ही करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है जी, आइडिया मम्मी जी का है और सलूशन मेरा है। माही की शादी कर दी जाए। पर मैं किसी को जानता हूं जो मेरे एहसानों तले दबा और मुझे मना भी नहीं करेगा। दारजी के डिस्चार्ज के बाद शाम को उसे घर ले आता हूं क्योंकि अगर ये रिश्ता हाथ से निकला तो माही भी हाथ से निकल जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी, तो माही के होने वाले पति से आप लोग मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कागज तैयार कर लेता हूँ। कुछ पता चला? नहीं यार, गुलशन के घर पे तो ताला लगा था पर पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है वो अपने लॉकेट को ढूंढता हुआ ना यहाँ जरूर आएगा। मुझे अमृतसर छोड़ने से पहले मेरे लॉकेट को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर ये पुलिस के हाथों लग गया तो लॉकेट के जरिए पुलिस मेरे गांव तक पहुंच सकती है। ये पप्पू परजाई, इस पर तो साला इसको पैदा करने वाला भी भरोसा ना करे, मैं तो क्या ही करूंगा। खुद को बचाने के लिए मेरी भी बलि चढ़ा सकता है और उसके लिए ये एक सेकंड नहीं सोचेगा। इससे पहले वो लॉकेट मेरे गले का फंदा बने मुझको वो लॉकेट ढूंढना ही पड़ेगा। माही सुन, मैं ना लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा को चारा डालकर आती हूँ।
प्रिया कहाँ गई है? गुलशन के पीछे जा रहा हूं।